सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने देश के कई राज्यों से 11 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता समेत कई राज्यों से ये गिरफ्तारी हुई है। स्कीम के जरिए निवेशकों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगा है। वर्ल्ड ग्रुप के 7,000 करोड़ के घोटाला मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये एक्शन दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता समेत कई राज्यों से गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। बताया जा रहा है कुल ऐसे 11 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, इस खबर पर क्या अपडेट मिल रही है अभी तक? बिल्कुल, ये फर्म एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फौजी स्टैंड था जिसमें तकरीबन 11 लोगों की सीबीआई ने गिरफ्तारी की। एक बड़ी गिरफ्तारी को मानी जा रही है इस केस के अंदर, क्योंकि पूरे 7,000 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला था और जिसमें करीब 5 करोड़ लोगों से पैसा ठगा गया था। सभी को पौजी स्कीम के जरिए बना दिया था, सभी को पैसा दोगुना करने की बात की थी और उस दौरान इस बात को लेकर सीबीआई ने बकायदा एक मुकदमा दर्ज किया था। पहले सीबीआई ने कुछ गिरफ्तारियां की थी, 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें चंद्र भूषण, जुन्नर, प्रेमनाथ, मनमोहन, इसके अलावा मोहनलाल, कमल, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई। ये जो गिरफ्तारी है ये दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, भुवनेश्वर और कुछ अन्य राज्यों से हुई है। तो फिलहाल सीबीआई का कहना है कि अभी 11 गिरफ्तारियां हुई है, ठीक है। जितेंद्र, आप नजर बना रखिएगा, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देश के अलग अलग राज्यों से कुल 11 आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए।